बस चालक को आई झपकी, हुआ हादसा, 20 यात्री हुए घायल। रोडवेज बस चालक ने नींद के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली बीमारी टक्कर, लगभग 20 यात्री घायल, 4 यात्रियों की हालत गंभीर। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के जमुना हाईवे पर रोडवेज बस व ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार लगभग 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। किदवई नगर डिपो की रोडवेज बस कानपुर से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। यात्रियों के अनुसार जमुना हाईवे पर दौड़ रही रोडवेज बस चालक को अचानक नींद का झोंका आ गया, जिससे बस ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। हादसे में बस में सवार लगभग 20 यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने घायल यात्रियों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र टप्पल भेजा, जहां दुर्घटना में 4 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल देख स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? बिजनौर की। कहाँ कहाँ से कहाँ जा रही थी? उन्नाव से बिजनौर जा रहे थे। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उसके बाद? वहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चला, नींद आ रही थी हम लोगों को, अपनी बेंच पे बैठे सो रहे थे, अचानक में आँख खुली तो एक्सीडेंट पता चला। कौन सी गाड़ी थी जिसमें रात थी आप सवार? वो वाली गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं है। रोडवेज है, किदवई नगर डिपो। कहाँ से चली थी? कितने बजे लगभग? कानपुर से चली थी, लगभग 11 बजे समथिंग। तो क्या 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 उसने कुछ ड्रिंक व्रिंक कर रखा था ड्राइवर ने? ड्रिंक नहीं, मगर वो मुझे लग रहा है कि नींद में था वो। तो कितने लोग थे सवार गाड़ी में पता हो? ये मुझे नॉलेज नहीं है, बस अपने बारे में पता है। सर क्या नाम है? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं चांदपुर, जिला फतेहपुर, यूपी। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रही थी गाड़ी, कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी नोएडा दिल्ली। कहाँ से चली थी, कितने बजे? ये कानपुर से चली थी 10:30 बजे। कौन सी गाड़ी थी ये? थी गाड़ी रोडवेज। अच्छा, फिर क्या हुआ है? तो ये ड्राइवर चाहे नींद में हो, सीधे पीछे से गाड़ी में मार दिया। आगे आगे चली गाड़ी मार आगे? हाँ, ट्रैक्टर जा रहा था, उसका भरा हुआ ईंट का। अच्छा अच्छा, इधर पीछे से मार दिया। कितने लोगों की चोट है? करीब जितने बस में थे वो 10-20 आदमी थे, उनको सब चोट। पुलिस मौके पर पहुंची? नहीं पहुंची, आई बाद में, आई पुलिस भी आई। सर, आज जो एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कितने बजे मिली थी और कितने लोग घायल हैं, कितनों को रेफर किया गया है? लगभग समय 7:30 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस यहाँ पे लेकर आई, और इसमें कई मरीज थे। सूचना मिली कि कानपुर यमुना एक्सप्रेसवे पे बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में एक्सीडेंट हुआ है उनके बीच में, जिसमें 15 लोग यहाँ पे हमारे CSC पे आए हैं। 4 की हालत गंभीर थी, जिसको मलखान सिंह हॉस्पिटल भेजा गया है। कुछ 1-2 लोगों के फैमिली वाले लेकर गए हैं अपने साथ, और बाकी मरीज अभी CSC अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।